तो पब्लिक कैसे हो? रियलमी ने अपना फ्लैगशिप रियलमी X50 प्रो 5G को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और ये इंडिया का पहला 5G स्मार्टफोन है और साथ में रियलमी ने तगड़े स्पेक्स के साथ इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन और इसकी प्राइस के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.4 इंच की HD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ और साथ में 90 हर्ट्ज की अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा और साथ में डिस्प्ले के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक डुअल पंच होल कटआउट देखने को मिलेगा और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 का 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो 7 नैनोमीटर का चिपसेट और ऑक्टाकोर पर बेस्ड है और साथ में इसमें आपको 2.84 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाएगा। GPU की बात करें तो इसमें आपको Adreno 650 का GPU देखने को मिलेगा। तो ये एक फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन भी है और इसमें आप हैवी गेमिंग भी कर सकते हैं और इसी गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए इसमें आपको वेपर कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज की। तो इसकी बेस वेरिएंट में आपको 6GB LPDDR5 रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगा और साथ में इसमें आपको UFS 3.0 की भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ में ये स्मार्टफोन आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी OS की। तो इसमें आपको Android 10 देखने को मिलेगा और साथ में Realme का लेटेस्ट Realme UI भी देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको लेटेस्ट फीचर और स्मूथ एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो इसमें आपको 4200mAh की बैटरी देखने को मिलेगा जो 65W की सुपर डॉट फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है जो 35 मिनट में आपकी स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर देगा और साथ में ये 18W की क्विक चार्ज और 30W की भूक 4.0 फास्ट चार्ज को भी सपोर्ट करता है। तो इस स्मार्टफोन पे आपको तगड़ा बैटरी भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी मेन फीचर की जो है इसका कैमरा। तो इसकी रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी कैमरा f1.8 अपर्चर के साथ देखने को मिलेगा जो 4K 30fps की वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। साथ में 12 मेगापिक्सल की टेलीफोटो कैमरा f2.5 अपर्चर के साथ देखने को मिलेगा जो 20x हाइब्रिड जूम को सपोर्ट करता है। साथ में 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा f2.3 अपर्चर के साथ और साथ में 2 मेगापिक्सल की पोर्ट्रेट कैमरा देखने को मिलेगा f2.4 अपर्चर के साथ। अब बात करते हैं इसकी फ्रंट कैमरा की। तो इसमें आपको डुअल फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल की वाइड एंगल कैमरा f2.5 अपर्चर के साथ और इसमें आपको सोनी आईमैक्स 616 की सेंसर देखने को मिलेगा और साथ में 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा f2.2 अपर्चर के साथ देखने को मिलेगा। तो ये स्मार्टफोन अच्छा खासा कैमरा सेटअप के साथ आता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की एक्स्ट्रा फीचर की। तो इसमें आपको डुअल सिम का सपोर्ट, लेटेस्ट वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.0, डुअल फ्रीक्वेंसी GPS, NFC, डॉल्बी एटमोस, USB टाइप सी और 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा जिसमें 8GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी बेस वेरिएंट होगा जिसका प्राइस इंडिया में 38,000 होगा। साथ में 12GB रैम और 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस 40,000 होगा और साथ में 16GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला हाई एंड वेरिएंट देखने को मिलेगा जिसका प्राइस 45,000 होगा। तो ये था Realme X50 5G स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।